कस्बे के एक निजी बैंक से जालसाजों ने वैल्यूअर अ बैंक की महिला सेल्स ऑफिसर के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर नकली जेवरात को रखकर 50 लाख का गोल्ड लोन हड़प लिया। जब मामले में लोन की किश्त नहीं भरी गई तो धीरे धीरे मामले में तहकीकात शुरू हुई। अन्य स्थान पर उक्त पांचों जालसाजों द्वारा गिरवी रखी गई सोने की जांच करने पर सोना नकली पाया गया। मामले में बैंक को जानकारी होते ही बैंक द्वारा नियुक्त वैल्यूअर सेल्स ऑफिसर व पांचों जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूट रचित दस्तावेजों से साजिश रचने आदि समेत आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कस्बा स्थित HDFC बैंक के लोकेशन मैनेजर आयुष अग्रवाल निवासी निखिलेश पैलेस लखनऊ ने बताया कि अलग अलग तारीखों में विकास कुमार पुत्र श्रीनिवास निवासी अशोक नगर सहरिया जिला इटावा, मोहित कुमार पुत्र आदित्य कुमार निवासी 101 निकट कपूर वाली गली मोहल्ला कटरा मैनपुरी, संदीप भारद्वाज पुत्र अज्ञात निवासी पुराना बाजार बेवर, शैलेंद्र कुमार शर्मा पुत्र अज्ञात निवासी 74 1184 काशीराम कॉलोनी गढ़िया, हैबतपुर फतेहगढ़ जिला फरुखाबाद आर्यन मिश्रा पुत्र कमल किशोर निवासी पुराना बाजार बेवर ने बैंक से गोल्ड लोन लिया। सर अभी एक नकली गोल्ड का मामला आया है, थाने में एप्लीकेशन दी गई है, क्या पूरा मामला है? मामला कुछ नहीं है, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने गोल्ड लोन रखा था जिसमें विकास हैं, अमन मिश्रा हैं, मोहित कुमार, संदीप भरद्वाज और शैलेंद्र कुमार हैं। इन व्यक्तियों ने गोल्ड रखा है। उस गोल्ड को जो रिकवरी थी, जब रिकवरी टीम ने पैसा जमा करने के लिए बोला गया और उस सोने को चेक कराया गया तो वो सोना नकली निकला है। सर एक बार बताओ, जब ये गोल्ड लोन लिया गया था उसमें सर सोना चेक नहीं किया गया था, नकली है? सोना चेक किया गया था लेकिन सोने की जो मात्रा थी उसमें ये जांच अधिकारियों ने उसको सही से जांच नहीं कर पाया, उसको पहचान नहीं पाया कि वो नकली सोना है। उसको 3 से 4 बार उसकी जांच कराई गई, उसके बाद वो पता चला कि वो सोना नकली है। जांच अधिकारी कौन थे आपके? हमारे बैंक के अधिकारी हैं जो जांच करते हैं। कौन सर नाम? नाम तो मुझे ऐसे अभी याद नहीं है जी। एक दो HDFC बैंक कर्मचारी का भी नाम आ रहा है? हाँ, जैसे अब वहाँ पे एक मैडम हमारी थी, वो भी यहाँ काम करती थी। क्या नाम है सर उनका? सपना गुप्ता जी। तो उनका भी जो है कुछ है उसमें जी। अच्छा, आप आगे क्या कार्रवाई सर इसके ऊपर? आगे कार्रवाई बैंक काम कर रही है, इस पर विजिलेंस टीम लगी हुई है, कार्रवाई कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि रिकवरी हो जाए सारा पैसा। जी, पता कब लगा सर ये? पता तो मेरे आने से पहले का ये केस है, मैंने अभी तो ज्वाइन किया है। आपका शुभ नाम सर? मैं विमलेश कुमार, ब्रांच मैनेजर बेबर ब्रांच से हूँ जी।